नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वरिंडिया में आपका स्वागत करती हूं। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 317 रनों से हराया है। इस साल जून में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिलहाल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया का ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी था। इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया WTC की पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इंग्लैंड की टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है। बता दें, भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही कैप्टन विराट कोहली ने एक बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस मामले में पीछे छोड़ा है। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों के विशाल अंतर से हराया। इसके साथ ही भारत को घरेलू जमीन पर अपनी कप्तानी में सबसे अधिक जीत दिलाने के धोनी के रिकॉर्ड की कोहली ने बराबरी कर ली है। धोनी के नेतृत्व में भारत ने अपनी जमीन पर 21 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की थी, वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 28 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। उनकी कप्तानी में भारत घर पर केवल 2 टेस्ट मैच हारा है और 5 मैच ड्रॉ रहा है। बता दें कि विराट कोहली ने अब तक कुल 58 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है, इसमें 34 जीते हैं, 14 हार और 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने कुल 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी, इनमें भारत को 27 जीत, 18 में हार और 15 मैच ड्रॉ रहे थे। गौरतलब है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत हार गया था। चेन्नई में ही दूसरा टेस्ट मैच भी खेला गया। भारत ने रोहित शर्मा के शानदार 161 रनों की बदौलत पहली पारी में 329 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद आर अश्विन ने 5 विकेट झटक कर इंग्लैंड की पारी 134 रन पर समेट दी। इसके बाद दूसरी पारी में कोहली ने अर्धशतक और आर अश्विन के शतक की बदौलत भारत ने 286 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 479 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड 317 रन पहले ही लुढ़क गया। पहला टेस्ट मैच खेल रहे अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।